श्री त्रयंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर से कई अनोखे रहस्य जुड़े हैं। आइए आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं और अवगत करवाते हैं इस मंदिर से जुड़े अनोखे रहस्यों से। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ सदाशिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तीन लिंगों के रूप में त्रिदेव विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है। इसके अलावा इस मंदिर के निकट तीन पर्वत हैं, जिनमें पहला ब्रह्मगिरी, दूसरा नीलगिरी और तीसरा गंगा द्वार पर्वत है। यह भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण तथा अपनी पौराणिक महत्ता एवं भव्यता से हर वक्त सुर्खियों में रहता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। भगवान शिव के इस मंदिर का निर्माण 1755 से शुरू हुआ और 1786 तक पूर्ण हुआ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह ही पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्रयंबकेश्वर मंदिर हिंदू धर्म की वंशावली का पंजीकरण माना जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। कुशवत कुंड वह स्थान है जहां गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल से एक कुशा से बांध दिया था, तभी से इस स्थान पर कुशावर्त नामक कुंड है। एक अन्य कथा के अनुसार इस प्राचीन मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा है। पुराणों के लेख के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मण की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी। इसी निराशा के कारण उन्होंने अपनी पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमानित करें तथा इस आश्रम से निकालें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश की आराधना की और उनको प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने भगवान गणेश से कहा कि यदि वह उनकी आराधना से प्रसन्न है तो वे उनकी महर्षि गौतम को अपमानित करने की इच्छा पूर्ण करें तथा इस आश्रम से बाहर निकाल दें। भगवान श्री गणेश जी ने उनकी इच्छा सुनकर उन्हें बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु ब्राह्मण नहीं माने। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा पूर्ण करनी पड़ी। इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी ने दुर्बल गाय का रूप लिया तथा महर्षि गौतम जी के खेत में चरने लगे। जब गौतम ऋषि ने दुर्बल गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर उन्होंने अपना तृण उठाया और उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने तृण से गाय को स्पर्श किया, वैसे ही गाय जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता चली तो सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि का अपमान करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़ने को कहा। यह वाक्य सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मणों से अनुरोध करने लगे कि हे ब्राह्मण, मुझे इस गोहत्या पाप से बचाइए, मुझे इस पाप से मुक्ति के लिए मार्ग दिखाइए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा तथा इस परिक्रमा को पूर्ण करने के पश्चात ही 1 माह तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर व्रत रखकर 101 बार परिक्रमा करने को कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए
यह विधि को श्रद्धा पूर्वक पूर्ण किया। श्रद्धा पूर्वक विधि को पूर्ण करने के पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन दिए। उनसे कहा कि वह अपनी इच्छा पूर्वक कोई भी वरदान मांगे। गौतम ऋषि ने अपने वरदान में गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वरदान मांगा। यह वाक्य सुनते ही शिव जी ने बताया कि यह कोई पाप नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा मांगे गए वरदान को पूर्ण करने के लिए ही श्री गणेश ने यह किया है, जिसके लिए शिव जी कहते हैं कि वह ब्राह्मणों को दंड देना चाहते हैं। लेकिन महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। वहां उपस्थित ऋषि मुनियों व देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया और आदि शंकर से उस स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात यह स्थान त्रिदेव और शिव शंभु के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी कई अन्य पौराणिक कथाएं भी है, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।